नमस्कार। आज हम अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पर हमने काफी हलचल आते हुए देखी है। जहाँ कल का दिन एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ देखा था, वहीं आज हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। अगर हम शुरुआत करें ग्वार सीड और ग्वार गम से, तो यहाँ पर हमने हायर लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग का मोड आते हुए देखा है। हालांकि जो अभी भी अंडरटोन है वो पॉजिटिव है। अगर हम ग्वार सीड को देखें तो करीबन 5923 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ग्वार गम 10170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में हमने बारिश आते हुए देखी है और हमने ये भी नोटिस किया है कि जो ग्वार की फसल है वो वहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दी है और ग्वार की जो पैदावार है इस बार पहले के मुकाबले कम है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। क्रूड की तेजी का भी असर हमने ग्वार गम में आते हुए देखा है और साथ में पेंट इंडस्ट्री से भी यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम में आने वाले समय में ट्रेंड ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारी सलाह है कि खरीदार जो है मंडी के किसान है या फिर जो ट्रेडर हैं जो वादा व्यापार में काम करते हैं, उनके लिए सलाह है कि वो खरीदारी का ही मोड अपना के चलें। एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड के भाव ऊपर करीबन 6100 तक और ग्वार गम के भाव करीबन 10400 तक के लेवल को दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का मौका अच्छा रहेगा। वहीं अगर अब हम मसालों की बात करें तो मसालों में एक मिलाजुला रुख देखा है। हालांकि सामने त्योहारी मांग भी है और अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई दी है। जीरे की बात करें तो यहाँ पर हमने अच्छी रिकवरी लोअर लेवल पर आते हुए देखी है। जीरा के भाव करीबन 14420 के आसपास चल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो मंडियों के अंदर भी यहाँ पर आवक कम होने की वजह से हमने खरीदारी आते हुए देखी है और एक्सपोर्ट डिमांड से भी भावों में सपोर्ट मिला है। वहीं अगर टर्मरिक की बात करें तो करीबन 7160 के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दिया है और कोरिएंडर में अगर देखें तो इस बार स्टॉक कम होने की वजह से भी कोरिएंडर को सपोर्ट मिला है। तो मसालों के अंदर आने वाले समय के लिए ट्रेंड हमें लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड है और सामने जो त्योहारी सीजन है वो यहाँ पर दिखाई दिया है, तो जीरा टर्मरिक और धनिए के अंदर हमें लगता है कि आने वाले समय में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो जीरा में एक्सपेक्टेड है करीबन 14800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। टर्मरिक के अंदर करीबन 7400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और कोरिएंडर के अंदर भी अगर हम देखें तो 8200 8300 तक के भी स्तर आ सकते हैं। यहाँ पर भी हमें लगता है कि वादा व्यापार में या फिर फिजिकल मार्केट में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। त्योहारी मांग से और निर्यात मांग से काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करें खाद्य तेलों की, तो यहाँ पर हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि अगर हम सरसों की बात करें तो 8511 के स्तर पर भाव ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं और अगर हम देखें तो आज करीबन भाव 25% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जो त्योहारी सीजन है उसकी मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और हमने देखा है कि यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक में तो आवक कम है क्योंकि सीजन ऑफ है और आने वाले समय में देखें तो जब नई क्रॉप की सोइंग स्टार्ट होगी तो फिर हम जनवरी फरवरी में अच्छी क्रॉप आते हुए देखेंगे, मगर फिलहाल तब तक हमें लगता है कि त्योहारी मांग के चलते सरसों में खरीदारी का मौका आता हुआ दिख रहा है और एक्सपेक्टेड है कि सरसों के भाव ऊपर में करीबन 8800 तक के लेवल को छू सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का मौका लिया जा सकता है। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें, क्योंकि सोयाबीन में अगर हम देखें तो आने वाले 10 से 15 दिनों में जो आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और इस बार जो हम पहले आवक देख रहे थे कि कम हो सकती है, मगर इस बार वो आवक पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आवक के अंदर जो है आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इंदौर में और अगर हम MP की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अच्छी जो आवक है वो हम मान के चल रहे हैं कि आ सकती है। तो सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम USDA की रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि कैरी ओवर स्टॉक वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा है सोयाबीन का और भारत के अंदर सोया मिल का इम्पोर्ट जो है वो भी बढ़ा है, तो और US के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो भी अब सपोर्टिव है। तो जो फैक्टर दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है कि सोयाबीन के भावों में आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि भाव अगर उछाल लें 5900-6000 के आसपास तक तो वहाँ पर बिकवाली का सौदा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने फिजिकल मार्केट में देखी है लगता है कि भारतीय बाजारों में सोयाबीन के भावों में नरमी देखी जा सकती है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमें मानना है कि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर हम रिफाइंड क्रूड पाम ऑयल की बात करें जो कि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के आसपास ट्रेड करते हुए देखते हैं, अब त्योहारी मांग का काफी असर रहा है और जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं तो यहाँ पर बायोफ्यूल के चलते यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि रिफाइंड और क्रूड पाम ऑयल दोनों के अंदर ही तेजी का देखा जा सकता है और आने वाले समय में भावों में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो रिफाइंड के टारगेट अगर हम देखें तो करीबन 1400 रुपये तक और क्रूड पाम ऑयल एक्सपेक्टेड है करीबन 1230 रुपये तक के लेवल को दिखा सकता है। तो एडिबल ऑयल्स में खरीदारी करने के लिए रिफाइंड सरसों और क्रूड पाम ऑयल में खरीदारी की जा सकती है, जबकि सोयाबीन में हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं।
अगर हम कॉटन की बात करें जो कि लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हमें लगता है कि कॉटन में जिस तरीके से क्रॉप में हमने कमी देखी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रॉप में कमी रही है, तो कॉटन के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। हालांकि भारत के अंदर आवक है, मगर ज्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के तीनों के अंदर ही ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉटन पैक आने वाले समय में तेजी का रुख अपना सकता है, तो वही रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि कॉटन सीड, कपास और कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी का रुख हो सकता है। आने वाले समय एक्सपेक्टेड है कॉटन के भाव करीबन 31,000 से लेकर 32,000 तक, कपास के भावों में करीबन 1,800 रुपए तक के लेवल, और कॉटन सीड ऑयल केक के भाव करीबन 2,900 रुपए तक के लेवल को छू सकते हैं। तो कॉटन पैक के अंदर भी तेजी है, यहाँ पर काफी अच्छा मौका रहेगा। लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके ले सकते हैं, आने वाले 1 या 2 महीने अभी और कॉटन के अंदर पॉजिटिव रह सकते हैं। आवक जो है वो यील्ड जो है वो यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से कॉटन के भावों में तेजी है, वैश्विक स्तर पर भी भावों में तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि खरीदारी का मौका ट्रेडर के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पे या फिर जो वाला फिजिकल में काम करते हैं, पोजिशन को खरीदार चल सकते हैं। धन्यवाद।